Welcome to Blind Tech Information Podcast. सब्सक्राइब करें हमारे Blind Tech Information चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जी हाँ मेरे प्रिय श्रोता, मेरा नाम है ओम प्रकाश, हाजिर हो चुका हूँ आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो सोच सकते हैं कि आपका व्हाट्सअप कभी भी हैक हो सकता है, आपका फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है, आपका डेटा, आपका अकाउंट कभी भी चोरी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपने डेटा को चोरी करना बचाते हैं, यदि व्हाट्सअप को हैक होने से बचाते हैं, यदि आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचाते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर बचाना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं मेरा अकाउंट से चोरी ना हो बैलेंस, मेरे फ़ोन से डेटा चोरी ना हो, मेरा कोई भी सिक्योरिटी किसी के पास ना जाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। एक व्हाट्सअप ने ऑप्शन दे रखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन इसलिए दे रखा है कि आपका कोई भी टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन कर रखा है तो दूसरा व्यक्ति आपका व्हाट्सअप को लॉगिन नहीं कर सकता जब तक आप उसको 6 डिजिट का पिन नहीं बताते हैं। तो यदि 6 डिजिट का आपने पिन किसी को बता दिया तो आपका व्हाट्सअप वही ओपन कर सकता है जिसको आपका पिन मालूम होगा। तो ये व्हाट्सअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर दे रखा है व्हाट्सअप ने आप सभी के लिए। तो आप सभी टू स्टेप वेरिफिकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर ऑन करके रखिए व्हाट्सअप के लिए। यानी कि फेसबुक का अलग होता है, ईमेल का अलग होता है, व्हाट्सअप का अलग होता है, तो आज हम व्हाट्सअप का टू स्टेप वेरिफिकेशन बताएंगे। यदि आपने देखना चाहते हैं कि ईमेल का टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करें तो वो पीछे हमारी वीडियो मिल जाएंगी, कोशिश करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो देने की। तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से ईमेल का भी स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि ईमेल का भी व्हाट्सअप स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना आवश्यक ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय श्रोताओ, आप सभी को मैं बता दूं, एक मेरा दोस्त था, उसका व्हाट्सअप पर कॉल आया +1 से, उसने अटेंड किया और उसका व्हाट्सअप हैक हो गया। यानी कि उसका व्हाट्सअप अब उसके फ़ोन से लॉग आउट हो गया, जब वो लॉग इन करा तो उसके व्हाट्सअप में हुआ नहीं। ये भगवान का शुक्र है कि उसके फ़ोन से कोई भी डेटा चोरी नहीं हुआ था, कोई भी बैलेंस नहीं कटा था अकाउंट से, बस ये था कि सारे ग्रुप जरूर डिलीट हो चुके थे। तो यदि आप भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है और स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन करना जरूरी है। तो चलिए हम व्हाट्सअप के अंदर चलते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर चलेंगे, मोर ऑप्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है। मोर ऑप्शन के अंदर आ गए, सेटिंग के अंदर चलते हैं, सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर अकाउंट सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं, ठीक है। और टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टर्न ऑन पे क्लिक करते हैं, क्रिएट 6 डिजिट पिन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम 6 डिजिट का पिन क्रिएट करते हैं। 7 7 7 7 7 7 यहाँ पर हम 6 7 7 7 कर दिया आपको बनाने के लिए, दिखाने के लिए। कंफर्म पिन द्वारा हमको वही पिन डालना है, 7 7 7 7 7 7। अगर यहाँ पर एक अंक भी गलत होगा तो आपका ये नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। ईमेल मांग रहा है तो ईमेल डाल लेते हैं, ठीक है। तो ईमेल में कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ईमेल डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स एरर, ईमेल कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, तो दोबारा ईमेल डाल देते हैं, ठीक है। मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली सेव करके रखा है अपने जी सी प्लस में, ठीक है। क्लिक योर हिस्ट्री में, तो मैं यहाँ से डाल दिया, सेव कर दूंगा। अप्लाइंग सेटिंग, टर्न ऑन, ये मेरा अब टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। अब मैं जब भी व्हाट्सएप को ओपन करूंगा तो मेरा 6 डिजिट का ओपन मांगेगा। हाँ, एक दो बार ना मांगे, लेकिन मांगेगा ही। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके फ़ोन से लॉगिन करता है, आपके फ़ोन से लॉग आउट करके, तो उसमें स्टेप वेरिफिकेशन जब तक नहीं डालेंगे जब तक आप दूसरे फ़ोन में किसी भी फ़ोन में लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देख लेता मेरा मांग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए मांग रहा है, देखिए मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया। अब मैं जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं डालूंगा तब तक ये मेरा ओपन नहीं होगा। देखिए डाल देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए मैं डालता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक मिनट देख लेते हैं ऑन हुआ कि नहीं।
तो मैं डालता हूँ इसमें पिन, देखिए हो गया मेरा, लगता है एक सेवन रह गया था तो इसलिए नहीं हो पाया था। देखिए मेरा व्हाट्सएप अब ओपन हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने फोन को सिक्योर करना चाहते हैं तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कौन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय जय श्री राम।